गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बात करेंगे उजनेसिस। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंडाणु जनन, जिसमें हम देखेंगे अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम बात करते हैं जो हमारे मेल और फीमेल में हमने बात की थी प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंगों में होने वाली ये क्रिया है। तो जो फीमेल प्राथमिक जनन अंग होते हैं वो अंडाशय होते हैं, और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है, उसके पूरे प्रक्रम को यहाँ पर दर्शाया गया है, और उसी प्रक्रम के बारे में हम आज बात करेंगे। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो अंडे जनन क्रिया होती है वो फीमेल में स्टार्ट कब से होती है और मेल में स्टार्ट कब से होती है, तो इन सारी चीजों को मैं बात करूंगा। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में ओजेनेसिस होता है। तो दोस्तों अगर क्या मैंने पिछली क्लास में बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन के बारे में, तो दोस्तों अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से ये वाला भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी वीडियो देखना उसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई चीज जब कंप्लीट होने लगती है तो उसमें जो क्या इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो लास्ट में दे दी जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों शुरुआत तो क्या अभी बनना शुरुआत हो रहा है, लेकिन लास्ट में जब एंडिंग होती है तो उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो क्या नई ऐड हो जाती हैं, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को जरूर आपको पढ़ना चाहिए। बाकी स्टार्टिंग में तो हर जगह सेम ही होता है, लेकिन क्या लास्ट में कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ ओगोनियम से ऊटिड का निर्माण। तो दोस्तों ये क्या होता है ओगोनियम, ओगोनियम से विभाजन द्वारा बन रही क्या ओटिड या अंडाणु। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को हमको पढ़ना है। तो ये ओगोनियम जो होती है दोस्तों ये एक मदर सेल होती है, और ये ओटिड जो होती है, ओवम जो होते हैं, ये अंडकोश का अर्थात फीमेल गैमेट होता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, अर्थात के दोस्तों मादा युग्मक। इस ओटिड को मादा युग्मक बोलते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि अंडाणु इस ओटिड का निर्माण कब होता है, कब हम इसको अंडाणु बोलते हैं। ज्यादा समय तक हम इसको ओवा ओसाइट यही बोलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम बहुत ही जब लास्ट में हम इसको बोलते हैं क्या अंडाणु, तो उस स्टेज तक हमको यहाँ पर पहुंचना है। तो दोस्तों हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम बात करते हैं जो ओवरी होती है, अगर फीमेल में ओवरी होती है तो दोस्तों फीमेल में ओवरी जो होती है वो फीमेल के प्राथमिक जनन होते हैं, ये ओवरी होती है। तो दोस्तों जब ओवम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो होता है जब फीमेल अपने मम्मी के गर्भ में रहती है तब, अर्थात एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है अंडाशय में। ठीक है दोस्तों, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब क्या भ्रूण अवस्था, जब कोई भी बेबी एम्ब्रियो रहती है अर्थात भ्रूण अवस्था में रहती है, तभी उसके अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूं, इसको बोलते हैं अंड जनन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंड जनन। तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं अंड जनन, और अंड जनन की परिभाषा में यहां पर लिख रहा हूं। तो दोस्तों ये क्या होता है द्विगुणित ओगोनियम है, और ये क्या होती है अगुणित अंडाणु। ठीक है दोस्तों, तो मादा के अंडाशय में, लिखो दोस्तों आप लोग लिख लो यहीं से, तो फिर उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करूंगा मादा के। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या होता है, मादा के अंडाशय में द्विगुणित जनन कोशिका से लगातार विभाजन द्वारा अगुणित अंड कोशिका का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। तो दोस्तों ए क्या होता है जनन कोश क्या है, जिसको एक मदर सेल कहते हैं, मतलब क्या अंडाणु के
मात्र कोशिका। तो इससे लगातार देखिए विभाजन हो रहा है, विभाजन होने के बाद क्या अंडाणु का निर्माण, देखते हैं यहाँ पर क्या लगातार विभाजन हो रहा है और इसी प्रकार से अंडाणु का निर्माण हो गया। तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर लिखा गया है मादा के अंडाशय में द्विगुणित जनन कोशिका से लगातार विभाजन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण या अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। तो दोस्तों अब इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हम उनको ऐड करेंगे। तो जो अंडाणुओं का निर्माण आप यहां पर लिखेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण तो दोस्तों प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, जब कोई मेल में यौनारंभ शुरू हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण। जबकि मैं बात करूं फीमेल में मादा में, तो मादा में अंडाणुओं का निर्माण जब वो गर्भावस्था में रहती तभी से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहां पर बात करता हूं अंडाणुओं का निर्माण, तो अंडाणुओं का निर्माण गर्भावस्था के दौरान ही शुरू होता है। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं अंडाणुओं का जो निर्माण है वो जब वो गर्भावस्था के दौरान ही शुरू होता है, अर्थात जब फीमेल गर्भ में रहती है तभी उसमें अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप कहेंगे क्या तभी मतलब कोई फीमेल कब प्रेगनेंसी के लायक होती है, क्योंकि अगर अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाए तो अंडाणु बने रहेंगे तो प्रेगनेंसी आ सकती है। लेकिन मैं बात करता हूँ दोस्तों अभी अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है लेकिन उसका विकास अभी नहीं हुआ है, अभी उसका कंप्लीट जब डेवलप हो जाएगी, जब विकसित होकर के परिपक्व हो जाएगी तब क्या वो फर्टिलाइजेशन करने के योग्य होगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये जो होता है अंडाणुओं का निर्माण होता है कब हुआ मैंने ये बताया। फिर उसके बाद में बात करूं कि दोस्तों वो अंडाणुओं का जो निर्माण हो रहा है वो कुछ स्टेज तक चलता है फिर उसके बाद रुक जाता है। तो अब उन स्टेज को हम बात करेंगे दोस्तों, वो होते हैं उनकी विभाजन प्रावस्थाएं, उनकी डिवीजन प्रावस्थाएं, मतलब कब तक विभाजन करती हैं और कब रुक जाती हैं। तो ये चीज बहुत ही, तो दोस्तों हमने बात किया अंडाणुओं का निर्माण गर्भावस्था के दौरान से ही शुरुआत होता है, अर्थात जब बेबी का बर्थ होता है तभी शुरुआत होता है। लेकिन दोस्तों वो कंप्लीट कब होता है, जब अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है तब, ठीक है दोस्तों। तो अंडाणुओं के विकास की प्रक्रिया, अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गर्भ से शुरू होती है और निषेचन के पश्चात संपन्न होती है, अर्थात जब निषेचन हो जाता है तब हम अंडाणु कहते हैं या मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो जर्मिनल सेल है, जो अंडाशय है, अंडाशय की जो जननिक उपकला कोशिकाएं हैं क्या होती है दोस्तों, जैसे वहां पर हमने बात की थी मेल में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल थी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो जननिक उपकला कोशिकाएं थी, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो अंडाशय है, अंडाशय की जो जननिक उपकला कोशिकाएं हैं या जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल बोलते हैं, ये कोशिकाएं निर्माण करती हैं उगोनिया का। दोस्तों किसका निर्माण करती हैं, उगोनिया का। तो मैं यहाँ पर आपको संरचना में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गई हमारी जर्मिनल एपिथेलियम अंडाशय की, ठीक है दोस्तों। अब ये कोशिकाएं बार बार माइटोटिक डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर क्या होगा माइटोटिक डिवीजन। अब दोस्तों माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन। अगर कोई 2m सेल है तो वो दो कोशिकाएं बनेंगे और दोनों क्या होंगे 2m सेल। तो दोस्तों यही विभाजन बार बार होता है, तो यहां पर जब बार बार ये विभाजन होता है तो बहुत सारे क्या ऐसे कोशिकाएं यहां पर डेवलप हो जाती हैं। और दोस्तों ये डेवलप होकर के विकसित होकर के एक क्या ऐसे ट्यूब के समान संरचना बनाते हैं और ट्यूब के समान संरचना जो स्ट्रोमा होता है वहां तक फैल जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है एग ऑफ फ्लगर, क्या बोला जाता है दोस्तों
एग ऑफ फ्लगर, तो यहां से क्या एक ट्यूब लाइक संरचना बनती है जो पाइप जैसे और स्ट्रोमा तक क्या उभार के रूप में बन जाती है, जिसको हम एग ऑफ फ्लगर कहते हैं। अब ये कोशिकाओं का देखिए, अब ये कोशिकाएं जब बन जाती है तो इनका एक मास बन जाता है, मतलब क्या एक ऐसे गोल संरचना बन जाएगी जिसके अंदर सभी ऐसे मैं एक बात बता सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक बात कर सकता हूँ दोस्तों कि ये जो कोशिकाएं है इनका एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बन जाता है संग्रह होकर के एक क्या पुटकी जैसी संरचना बनाते हैं, पुटके जैसी संरचना बनाते हैं या फॉलिकल। तो दोस्तों इसको हम बात करते हैं, एक ग्रुप बना लेती है ये सभी कोशिकाएं मिल करके, और इन सभी कोशिकाओं को क्या कहते हैं इस समय, तो दोस्तों इन सभी कोशिकाओं के इस समय हम क्या बोलते हैं फॉलिकल, क्या बोलते हैं दोस्तों सॉरी हम यहां पर बात करते हैं उगोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों उगोनियम। अब देखिए दोस्तों हम इसको बोलते हैं उगोनियम, अब उगोनियम जो होती है दोस्तों इसको एग मदर सेल भी कहा जाता है, एग मदर सेल कहा जाता है। अब यहां पर निर्माण हो गया एग मदर सेल का अर्थात उगोनियम का। अब ये सभी उगोनियम मैं बात करूं, अब ये सभी उगोनियम जा करके अंडाणु का निर्माण नहीं करती हैं, इसमें से कुछ कोशिकाएं होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं दोस्तों, मैं यहां पर बात करता हूं इसमें से कुछ कोशिकाएं मॉडिफाइड होती हैं, इतने ग्रुप हैं, इसमें से एक कोशिका मॉडिफाइड होकर के दोस्तों बना देती है ऊसाइट, क्या बनाती है ऊसाइट अर्थात क्या अंड कोशिका, क्या बना देती है दोस्तों ऊसाइट या अंड कोशिका, जिसको अब देखिए दोस्तों यहां पर पहली ऊसाइट बन रही है, क्या हो रहा है पहली ऊसाइट बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट, क्या बोलेंगे दोस्तों प्राइमरी ऊसाइट, प्राथमिक अंड कोशिका इसको बोला जाएगा प्राइमरी ऊसाइट। तो दोस्तों मैंने बात की यहां पर क्या बहुत ढेरों सारी बनती है उगोनियम, अब उगोनियम बनती है तो उसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है या हम कहते हैं वृद्धि करती है। तो दोस्तों ये जो क्या उगोनियम बनी यही क्या होती है वृद्धि करते हैं, एक ग्रुप बनाती है और इनमें से एक उगोनियम वृद्धि करके क्या बना देती है प्राइमरी ऊसाइट। अभी यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर कोई डिवीजन नहीं हुआ है, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ जो जनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ तो उगोनियम बने, अब उगोनियम का एक समूह बना जिसको हमने क्या कह दिया दोस्तों उगोनियम का एक समूह बना, और वो क्या एक दंडे जैसी संरचना बनाया जिसको हम एक ऑफ फ्लगर कह रहे हैं। फिर उसके बाद में बात कर रहा हूं कि उनके जो ग्रुप थे जो कोशिकाओं के उगोनियम के ग्रुप थे उसमें से एक कोशिका वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, क्या होती है दोस्तों एक कोशिका वृद्धि करके बड़ी हो जाती है और वो कोशिका कहलाती है प्राइमरी ऊसाइट, क्या कहलाती है दोस्तों प्राइमरी ऊसाइट। अब मैं बात करूं तो दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन फेज से अब किसमें आ गई है ग्रोथ फेज में, अब प्राइमरी ऊसाइट क्या करेगी वृद्धि करके या डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, विभाजन करना शुरुआत करेगी और बनाएगी क्या दोस्तों यहां पर अंडाणु। ठीक है दोस्तों तो अब हम यहां पर बात करते हैं ये जो प्राइमरी ऊसाइट थी ये तो बन गई, अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक प्राइमरी ऊसाइट मान चलो और इसके किनारे किनारे जो इनकी कोशिकाएं थी दोस्तों, अब इनके किनारे किनारे कोशिकाएं जो थी इनको बोला जाएगा दोस्तों ग्रेनुलोसा सेल, क्या बोला जाएगा दोस्तों ग्रेनुलोसा सेल। दोस्तों किनारे किनारे वाली कोशिकाओं को ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं और अंदर वाली सेल को क्या कहते हैं हम इसको प्राइमरी ऊसाइट। अब यहां पर देखिए दोस्तों अब इसी के अंदर की बात चल रही है, अब यहां पर क्या होता है ये जो कोशिकाएं किनारे किनारे एक जो ग्रेनुलोसा सेल है ए नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्या करती है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट देती है किसको इस अंड कोशिका को, अंड कोशिका को जो प्राइमरी ऊसाइट है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और मैं बता दूं दोस्तों अभी इसका विकास नहीं हो रहा है, देखो अब देखो जब क्या ए अंड कोशिका अंदर है और बाहर बाहर क्या ग्रेनुलोसा सेल है तो इस स्टेज को क्या कहते हैं दोस्तों ए
ये जो किनारे किनारे कोशिका है इसको फॉलिकुलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फॉलिकुलर सेल या पुटकीय कोशिका। क्या कहते हैं? पुटकीय कोशिका, फॉलिकुलर सेल। क्या कहेंगे? फॉलिकुलर सेल किनारे किनारे और फॉलिकुलर सेल कहते हैं। और फॉलिकुलर सेल डेवलप होकर के क्या बनाती है? ग्रैनुलोसा सेल। अब दोस्तों इस प्रवस्था को जब यह किनारे किनारे ग्रैनुलोसा सेल है या फॉलिकुलर सेल है और बीच में क्या है? प्राइमरी ओसाइट है, ओसाइट को घेरे हुए हैं कौन? तुम्हारी फॉलिकुलर सेल। इस स्टेज को बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। तो दोस्तों अब देखिए, एक प्राइमरी फॉलिकल हुआ, फिर इसके बाद एक फर्स्ट स्टेज थी। अब दूसरे में मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर ये देखिए, ये जो फॉलिकल था इसके ऊपर की जो लेयर थी, जो इसके ऊपर ये कोशिका थी ग्रैनुलोसा सेल की, ये डिवाइड हो जाती है दोस्तों दो परत में। क्या कहते हैं दोस्तों? ये दो परत में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यहां पर बन गई हमारी एक थीका लेयर। क्या बन गई? थीका। तो दोस्तों यहां पर थीका लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? थीका। अभी एक प्राइमरी ओसाइट है। क्या है दोस्तों? प्राइमरी ओसाइट है, यहां पर बन गई हमारी थीका लेयर। और आपको बताया गया है दोस्तों थीका डिवाइड होकर के क्या बनाती है? थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। क्या बनाती है दोस्तों? थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, मतलब बाहर वाली थीका एक्सटर्नल और अंदर वाली क्या होगी? थीका इंटरनल। और मध्य में क्या है? प्राइमरी ओसाइट। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे एक प्राइमरी फॉलिकल स्टेज थी, लेकिन एक क्या होगा तुम्हारा? सेकेंडरी फॉलिकल। तो दोस्तों अभी देखिए दोस्तों, एक ओसाइट तो प्राइमरी है, लेकिन ये जो फॉलिकुलर सेल है इनका डेवलपमेंट बता रहा है, अभी बाहर का डेवलपमेंट बता रहा है, अंदर वाली कोशिका का नहीं। ये क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट ही है। क्या है दोस्तों? प्राइमरी ओसाइट है, किनारे किनारे जो कोशिका है तो उनका डेवलपमेंट हुआ और के ये हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या होता है? जो ग्रैनुलोसा सेल है, सेकेंडरी फॉलिकल जब बन गया है, यहां पर ग्रैनुलोसा सेल जो होती है, ग्रैनुलोसा सेल वो कुछ पदार्थ का श्रावण करती है। क्या करती है दोस्तों? सिक्रीट्स फ्लूइड। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो ग्रैनुलोसा सेल किनारे किनारे है वो बनाती है कुछ फ्लूइड, कुछ फ्लूइड को बनाती है जो जाकर के इस प्राइमरी ओसाइट के किनारे किनारे, प्राइमरी ओसाइट के किनारे किनारे भर जाती है। तो दोस्तों जानते हो यहां पर कैसी संरचना बन रही है? ऐसी संरचना बन रही है। और यहां पर क्या हम किनारे किनारे बना दे रहे हैं? ये ग्रैनुलोसा सेल के या थीका एक्सटर्नल और इंटरनल की लेयर बन गई रही है दोस्तों। अब थोड़ा सा जल्दी से इसको समझना है, ये बन गई है क्या? थीका एक्सटर्नल इंटरनल और क्या? ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बन गई है। और बीच में पड़ा है क्या? अब दोस्तों यहां से एक क्या ऐसी संरचना जुड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एगाफ्लोरा। अब देखो दोस्तों ये क्या है? वो प्राइमरी ओसाइट है, एक प्राइमरी ओसाइट और एक कैविटी बन गई। क्या दोस्तों? कैविटी बन गई, क्योंकि एक ग्रैनुलोसा सेल क्या श्रावित की है? कुछ फ्लूइड, और वो फ्लूइड जाकर के यहां पर भर जाता है जिससे इस कैविटी का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं कैविटी या एंट्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? एंट्रम। तो दोस्तों यहां पर एंट्रम का निर्माण हुआ। अब देखिए दोस्तों, जब एंट्रम का निर्माण हो जाता है उस साइड के बाहर बाहर, तब हम इसको क्या कहते हैं? अब हम इसको बोलते हैं दोस्तों सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकेंडरी, एक मिनट दोस्तों, अभी सेकेंडरी ओसाइट नहीं है, क्योंकि इसमें अभी मियोसिस नहीं हुआ है, अभी प्राइमरी ओसाइट है। जब क्या मियोसिस हो जाएगा तब सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है? ए तुम्हारा बना है सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या देखो, सेकेंडरी फॉलिकल कब था? जब इसके ऊपर के ग्रैनुलोसा लेयर डिवाइड होकर के क्या बना दिए? थीका। और उसके बाद क्या? उसके अंदर कुछ पदार्थ भर गया है, जो भर गया है दोस्तों एंट्रम। तो ये सेकेंडरी ओसाइट है, लेकिन एक परिपक्व सेकेंडरी ओसाइट है। क्या है दोस्तों? परिपक्व सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें क्या होगा? डिवीजन। क्या होगा दोस्तों? डिवीजन। अब इसमें होगा मियोसिस। अब मियोसिस होने के पश्चात क्या होगा दोस्तों?
अब ये देखिए, पहले क्या था, उगोनियम था, उसमें क्या बहुत सारे क्या समसूत्री विभाजन हुए, तो बहुत सारे क्या उगोनियम ऐसे बन गए एडिशनल एवं उगोनियम। फिर उसमें एक उगोनियम डेवलप होकर के क्या बना दी, विकसित होकर के, देखो ये क्या मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हुआ, बहुत सारे मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे उगोनियम बनते चले गए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैंने बात की दोस्तों यहाँ पर कि एक उगोनियम विकसित होकर के क्या बना देती है, प्राइमरी ओसाइट, क्या बना देती है, प्राइमरी ओसाइट। और प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर क्या पर जाते हैं आपके ओगोनियम सेल, जो क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करने कार्य करते हैं, जिसको हम क्या बाद में ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। अब दोस्तों ये ग्रैनुलोसा सेल, अब ये ग्रोथ फेज है, अब यहाँ पर क्या होता है वृद्धि, और जब इसके किनारे किनारे तुम्हारी ओगोनियम सेल लग गई है, हम बात करें ग्रैनुलोसा सेल लग गई है, तब उसको प्राइमरी फॉलिकल कहा जाएगा। प्राइमरी उस साइड के किनारे किनारे कोशिकाओं का घेरा बनने की वजह से उसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। अब वो कोशिकाएं डेवलप होकर के दो लेयर बना देती हैं, थीका लेयर और ग्रैनुलोसा लेयर, तब उसको हम बोलते हैं दोस्तों सेकेंडरी। अब सेकेंडरी उस सेकेंडरी फॉलिकल जो है, अब उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगी। अब विकास थोड़ा सा सेकेंडरी फॉलिकल में भी होगा, वहां की लेयर और बढ़ती है, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल और ग्रैनुलोसा सेल बनाती है। अब वो सेल क्या करती है, नरिशमेंट क्या प्रोवाइड करती है ओसाइट को, प्राइमरी ओसाइट को, वहां से जो पदार्थ निकलता है वो ओसाइट के चारों ओर क्या भर जाता है। अब ओसाइट के चारों ओर जब पदार्थ भर गया तो कोशिकाएं उनसे दूर हो गई, तो जो ग्रैनुलोसा सेल थी, जो थीका इंटरनल सेल थी, उनके बीच और क्या प्राइमरी ओसाइट के बीच कुछ स्पेस बन जाता है। ये देखिए ये ओसाइट है और क्या ये सेल है, तो इनके बीच ये जो स्पेस बन जाता है दोस्तों, इसको कैविटी बोला जाता है, एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी कहते हैं, या दोस्तों इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको एंट्रम फ्लूइड कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एंट्रम फ्लूइड वहां पर भर गया, अब कोशिकाएं क्या करेंगी दोस्तों, वहां से नरिशमेंट प्राप्त करेंगी। अब प्राइमरी ओसाइट में क्या होगा, डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम मियोसिस फर्स्ट होगा, तो वो डिवाइड करके क्या करेंगी दोस्तों, सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण करेंगी, सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट में ग्रोथ फेज कंप्लीट हुआ, अब क्या ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, अर्धसूत्री विभाजन को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, या हम बात करते हैं दोस्तों इसमें गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। जैसे पहले कोशिका बने तो उसकी आधी रह जाती है, तो दोस्तों मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इस कोशिका में देखते हैं दोस्तों गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 23। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कोशिका के अंदर इतना सारा पोषण देने वाली कोशिकाएं थी, क्या थी दोस्तों, इतना सारा पोषण देने वाली कोशिकाएं थी, फिर भी इनके डिवीजन के समय एक कोशिका में तो जीवद्रव बराबर, लेकिन क्या दूसरी कोशिका में जीवद्रव की कमी आ जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, लेस साइटोप्लाज्म। यहां पर क्या होगा दोस्तों, लेस साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर बहुत कम साइटोप्लाज्म के कारण ये क्या हो जाता है दोस्तों, इसको हम पोलर बॉडी कह देते हैं, मतलब अब ये अंडकोशिका को नहीं बना सकते, अर्थात अंडांगों का निर्माण ये नहीं कर सकते, तो हम इसको ध्रुवीय कोशिका कह देते हैं। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये भी अगुणित है और ये भी कोशिका क्या है, अगुणित है, कैसा है, अगुणित, अर्थात ये कोशिका थी दुगुणित, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो बन गई क्या, अगुणित कोशिका। अब दोस्तों अगुणित कोशिका जब ये बन गई, तो दोस्तों मैं आपको ये चीज यहाँ पर बता दूं, ये जो मियोसिस फर्स्ट स्टेज चल रही थी, इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, तो इसकी एक स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज होती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोटीन, क्या होती है दोस्तों, डिप्लोटीन, दोस्तों ये जो डिप्लोटीन अवस्था होती है, डिप्लोटीन अवस्था में ही ये क्या हो जाते हैं, ऑरेस्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों, डिप्लोटीन अवस्था में ही प्राइमरी ओसाइट ऑरेस्ट हो जाती है, मतलब उसका विकास रुक जाता है। और दोस्तों जब वो फीमेल के गर्भ में रहती है तभी, अब दोस्तों इसको फर्स्ट रेस्टिंग फेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, फर्स्ट रेस्टिंग फेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट रेस्टिंग फेज में क्या होगा, मैं यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें प्राइमरी ओसाइट में विभाजन नहीं हो, प्राइमरी ओसाइट तो रुक गई, लेकिन क्या
इन कोशिकाओं के बाहर वाली कोशिकाओं के बीच क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या प्राइमरी ओसाइट के बीच नहीं, अर्थात ये कोशिका अभी विभाजन इसका रूप क्या है दोस्तों, अभी ये कहां पर है, गर्भ में भी है, तभी की बात करें। अब जब बेबी का जन्म हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, बेबी का जन्म हो जाता है और क्या, जब फीमेल प्यूबर्टी को अटेन कर लेती है, अर्थात जब कोई भी बेबी या बच्ची जब 11 से 13 वर्ष के बीच में पहुंच जाती है, अर्थात जब उसमें यौना आरंभ शुरू हो जाता है, तब उसके बाद का विकास होता है, क्या होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट होती है वो डिवाइड करती है, क्या करती है दोस्तों, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिवाइड करती है, क्या, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करती है, क्या करती है, मियोसिस सेकेंड करती है। अब मियोसिस सेकेंड में क्या होता है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मियोसिस सेकेंड की जो मेटाफेज स्टेज आती है, क्या आती है दोस्तों, मेटाफेज। दोस्तों ये कोशिका विभाजन तो हो गया है, क्यों, ये कोशिका विभाजन तो हो गया है, अब मियोसिस सेकेंड शुरुआत है, क्या है, मियोसिस सेकेंड शुरुआत है। अब मियोसिस सेकेंड शुरुआत है तो उसमें प्रोफेज खत्म हो जाता है, मेटाफेज शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे ही मेटाफेज सेकेंड आता है, इन कोशिकाओं का विभाजन फिर से रुक जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, इन कोशिकाओं का विभाजन फिर से रुक जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकंड रेस्टिंग फेज, क्या दोस्तों बोलते हैं, सेकंड रेस्टिंग फेज, क्योंकि दोबारा कोशिका विभाजन क्या हो गया, रुक गया, किसमें, मेटाफेज में, किसमें दोस्तों, मेटाफेज में फिर से दो कोशिका विभाजन रुक गया। तो दोस्तों यहां पर मेटाफेज में फिर से विभाजन रुक गया, तो इसको सेकेंड रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। अब इसके आगे का विभाजन कब होगा, आप उसकी बारे में बात करो, तो दोस्तों एक पोलर बॉडी बन चुकी है, अब देखो अभी क्या विभाजन तो रुक गया, अब तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर जो इसका डेवलपमेंट हो रहा था, अब डेवलप होकर के इसके किनारे किनारे जो कुछ कहे वो ग्रैनुलर सेल लेयर बन जाती है, फिर उसके किनारे किनारे क्या एक लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कंप्लीट डेवलप हो जाती है, क्या दोस्तों, हम कहते हैं कंप्लीटली डेवलप होकर के वो बनाती है टर्सरी फॉलिकल, क्या बनाती है दोस्तों, टर्सरी फॉलिकल, या हम दोस्तों कहते हैं कि यही बना देते हैं क्या ग्राफियन फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल, इसी को बोलते हैं दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा, अभी आपको मैं बता रहा हूं, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, क्या है दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल में जो इस समय अंदर का जो एक ओम बन रहा था, जो एक अंडकोश क्या बन रही थी, एक क्या बन गई, सेकेंडरी ओसाइट बन गई है, इसके बीच क्या मियोसिस सेकेंड हो रहा है, अब मियोसिस सेकेंड हो रहा है तो इसके चारों ओर एक क्या परत बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों जोना पेनिसुला, अर्थात जो ओवम की कोशिकाएं बन रही है, जो सेकेंडरी ओसाइट बन रही है, सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर एक कोशिका की लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेनिसुला। तो दोस्तों जब यहां पर ओवुलेशन होगा तब उसके ऊपर जोना पेनिसुला की लेयर बनी रहेगी। अब मैं बात करता हूं यहां पर के जो ओवम इंसर्ट होगा इसके ऊपर क्या एक लेयर ऐसे बनी रहेगी, जिसको क्या हम बोलेंगे दोस्तों जोना पेनिसुला, क्या बोलते हैं जोना पेनिसुला, बीच में क्या है हमारी अंडकोश का ये लेयर क्या होगी जोना पेनिसुला, ठीक है दोस्तों। अब ये जोना पेनिसुला बन गया, अब देखो अब इसी समय जब क्या मेटाफेज में आरेस्ट है उसी समय क्या होता है दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी से जो स्रावित होने वाला LH हार्मोन से LH हार्मोन्स के लेवल क्या होता है हाई हो जाता है, क्या होता है दोस्तों LH हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है हाई हो जाता है। जब इन दोनों हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है तो जो एक ग्राफियन फॉलिकल बटी फैली है जो बनी है ये क्या होते है इसकी एंट्रम कैविटी ऐसे फट जाती है और फट जाती है दोस्तों तो ये जो ओवम है ये बाहर ऐसे रिलीज हो जाता है और जो यहां पर क्या बना है मेटाफेज में भी अरेस्टेड जो ओवम है ये बाहर रिलीज हो जाता है। अब ये बाहर रिलीज हो जाता है तो बाहर कहां पर जाता है दोस्तों इसको ओवेरियन जो फिम्बरी है जो मैं बात करूं दोस्तों वहां पर जो होती है
फैलोपियन ट्यूब की जो फिमरी होती है, फैलोपियन फिमरी होती है, वो इस ओवम को प्राप्त करके लेकर जाती है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर ले जाती है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में। तो मैं यहां पर जैसे बात कर देता हूं, अगर क्या ऐसे है यहां पर, ऐसे मान चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहां पर क्या होती है? फिमरी। तो जैसे ओवम निकलेगा, ओवम को लेकर चली जाएंगे कहां पर? यहां पर, यहां पर। अब दोस्तों ये पहुंच गया है यहां पर, अभी मेटाफेज में ऑरेस्ट ही है, लेकिन अगर फीमेल का किसी मेल के साथ संबंध बनता है, अगर स्पर्म सीमेन यहां पर रिलीज होता है, तो दोस्तों स्पर्म मूव करके इसके एम्पुला भाग में पहुंच जाते हैं, और एम्पुला भाग में पहुंच करके ओवम के साथ फर्टिलाइज करते हैं, ओवम के साथ क्या? निषेचन करते हैं। अब जब दोस्तों ओवम के साथ, अंडाणुओं के साथ ये निषेचन करते हैं, तब इनका मेटाफेज सेकंड क्या होता है दोस्तों? वो कंप्लीट होता है, अर्थात अब ये डिवीजन करके क्या बना देती है दोस्तों? एक सेकेंड पोलर बॉडी, और एक बन जाता है क्या? कंप्लीट अंडाणु। क्या बन जाता है? अंडाणु। तो दोस्तों एक क्या हो जाता है? कंप्लीट अंडाणु बन जाता है। दूसरा क्या बन जाता है? सेकेंड पोलर बॉडी। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो क्या, ये पोलर बॉडी थी, ये डिवाइड होकर के दो पोलर बॉडी बना दी, और ये जो क्या अंकुरित जो हमारी कोशिका थी, ये जो क्या थी हमारे यहां पर मेटाफेज सेकेंड में जो क्या आरेस्टेड थी, वो क्या एक अंडकोश क्या बना दी, अंडाणु का निर्माण की, क्या कर बनाई दोस्तों? अंडाणु या ओटिड या ओवम बनाई, जिसको हम क्या फीमेल गैमेट कह रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जो बनी दूसरी जो क्या है, ये सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। तो दोस्तों अगर इसके लास्ट में देखा जाए, अगर एक एक अर्धसूत्री विभाजन या एक ओजेनेसिस कंप्लीट होने पर एक ओवम तथा तीन पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों तीन पोलर बॉडी बनी है और एक ओवम। अब ओवम कब बना? मेटाफेज सेकंड कंप्लीट कब हुआ? जब क्या स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर दिया तब। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि यहां पर ये मेटाफेज में ऑरेस्ट क्यों होता है। तो दोस्तों जो विभाजन होता रहता है, तो वहां पर कुछ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का श्रावण अधिक होता है। जो होता है दोस्तों मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होते हैं, वो संग्रह हो जाते हैं। अब संग्रह हो करके इस मेटाफेज को रोक देते हैं, मेटाफेज को रोक देते हैं, जो सेल डिवीजन होना था उसको रोक देते हैं। अब मेटाफेज रुक जाता है दोस्तों, तो फिर क्या वो ऑरेस्ट रहता है, जब तक क्या कोई स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना करे। तो दोस्तों जब क्या स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तब क्या होता है वहां पर एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। तो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या करता है? उस मेटाफेज को एनाफेज में कन्वर्ट कर देता है। अब एनाफेज में कन्वर्ट हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, अब बन गया हमारा दूसरा पोलर बॉडी, और क्या हमारा बन गया एक अंडाणु। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो जो फीमेल होती हैं उनमें अंडाणुओं का निर्माण तब तक नहीं हुआ, या फीमेल गैमेट का निर्माण तब तक नहीं हुआ, कंप्लीटली नहीं हुआ, जब तक क्या ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। अर्थात पीरियड्स जो चलते हैं फीमेल में, जो उसमें जो ए ओवम निकलते हैं, और रियल में कंप्लीटली डेवलप्ड ओवम नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। आपको यहाँ पर जो पॉइंट न समझ में आया हो दोस्तों, वो आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर दोस्तों शुरुआत में थोड़ा सा क्या यहाँ की जो बातें थी वो थोड़ा सा लेंदी थी, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर इसको कंप्लीटली समझना होगा तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने कुछ ओवरी वाले पार्ट को भी कवर किया, और जो हमारा पार्ट था मैंने इसको भी कवर किया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अब एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि एक अंडाणुओं के निर्माण में कुल कितना समय लग रहा है? तो दोस्तों पहली बार तो क्या बर्थ से स्टार्ट हुआ अंडाणुओं का निर्माण, अब बर्थ के बाद 11 से 13 वर्ष, अर्थात मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, जो डिप्लोटीन अवस्था थी वो कितने दिन चली? लगभग क्या महीनों वर्षों तक चलती रही थी। क्या दोस्तों? महीनों वर्षों तक चलती रही। तो ये बातें हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि क्यों महीनों वर्षों तक चलती रही, क्योंकि डिप्लोटीन अवस्था में तो ये अरेस्टेड थी। क्या थी? डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्टेड थी। अब जब फीमेल प्यूबर्टी में आ गई, तब तो मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस सेकंड हुआ कब? जब क्या फीमेल
प्यूबर्टी में आ गई, उसके पहले तो क्या प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन अवस्था में क्या थी वो ऑरिस्टेड थी। तो इतनी सारी बातें हैं दोस्तों, मतलब क्या एक अंडाणु के विकास में बहुत समय लग रहा है, लेकिन मैं बात करूं जब प्यूबर्टी आ जाती है तो एक अंडाणु के विकास में ज्यादा समय नहीं लगता है। बस कितना समय लगता है, एक 28 दिन में, जैसे दोस्तों एक 28 दिन पर अगर लेफ्ट ओवरी से अंडाणु का निर्माण हुआ है तो अब दूसरे 28वें दिन पर क्या राइट ओवरी से निकलेगा, फिर तीसरे 28वें दिन पर इस ओवरी से, इस प्रकार से एक 28 और दूसरा 28 कुल मिलाकर के 56 दिन, कितने दिन 56 से 60 दिन में एक अंडाणु का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूं। दोस्तों अगर जो चीज यहां पर समझ में आई हो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप उसको कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।